ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि mv स्क्वायर बाई 2 v होती है फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हाँ भाई, तो हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम जो है अल्जेब्रिक तरीके से कैसे प्रूव करेंगे। अब हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से सीखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, और ये क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द इंटीग्रेशन मेथड। अपने को मालूम है कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मान लीजिए हमने थोड़ा वर्क किया dW, तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा होगा। dW इज इक्वल टू फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और वर्क जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ds, मान लेते हैं एक्सेलरेशन भी थोड़ा हुआ, तो क्या लिखेंगे? ds dA। तो dW इज इक्वल टू m इंटू, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो dv अपॉन dt। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू dv इंटू, अगर इस dt को हम इधर की ओर लिखते हैं तो ये बन जाएगा ds अपॉन dt। तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा m dv, ये खत्म हो जाएगा, तो और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है भाई? वेलोसिटी। तो वर्क डन इज इक्वल टू एम डी वी इंटू वी। अब हम क्या करेंगे? इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे। अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिख लें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी वी। एम को बाहर रखेंगे क्योंकि मास क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी कहां से कहां चेंज होगी? इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, वी 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 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर नीचे टू, भैया पावर में जो नंबर होगा उसी को उसी से डिवाइड भी करना पड़ता है, ये रूल है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू रूल के अकॉर्डिंग, यू स्क्वायर बाई टू लिमिट क्या लिया है? यू से वी तक। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि एम वी स्क्वायर बाई टू वी होती है फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन जो है वो इक्वल हो गया किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मतलब वर्क डन ऑलवेज बराबर होगा किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये चीज यहां से प्रूफ हो गया बाय द इंटीग्रेशन मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? छापिए।